नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना से हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में देश इस समय ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। कई अस्पतालों को अदालत का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा है, तो कई अस्पतालों को आखिर क्षण में ऑक्सीजन मिल पाई है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों कम पड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। इस सप्ताह के शुरुआत से ही दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों से बार बार ऑक्सीजन का स्टॉक लगभग खत्म होने की खबरें सामने आ रही थी। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लगभग 60 मरीज मौत की कगार पर थे। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार शुक्रवार को एक ऑक्सीजन टैंकर अस्पताल पहुंचा। लेकिन देश में कोरोना के मामले जिस तेजी से सामने आ रहे हैं, उससे इसका हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गया है। महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर हरियाणा और मध्य प्रदेश तक सभी जगह मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक की तख्ती भी लगा दी गई है। लखनऊ में अस्पतालों ने तो मरीजों को कहीं और जाने के लिए भी कहना शुरू कर दिया है। साथ ही दिल्ली के छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम भी यही कर रहे हैं। कई शहरों में मरीजों के बेहाल परिजन खुद सिलेंडर लेकर रिफिलिंग सेंटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े दिख रहे हैं। कोरोना से पैदा हालातों को देख चुके डॉक्टरों से लेकर अफसरों तक को लग रहा है कि उनकी आंखों के सामने ऐसे मंजर पहले भी गुजर चुके हैं। 7 महीने पहले जब कोरोना के मामले उफान पर थे, तब भी ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत पैदा हुई थी। लेकिन इस बार हालात बेहद खराब हैं। जबकि हकीकत यह है कि देश में ऑक्सीजन का जितना प्रोडक्शन होता है, उसका सिर्फ 15% हिस्सा ही अस्पताल इस्तेमाल करते हैं। बाकी 85% का इस्तेमाल उद्योगों में होता है। देश में ऑक्सीजन सप्लाई का 90% अस्पतालों और दूसरी मेडिकल जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जबकि पिछले साल सितंबर के मध्य में जब कोरोना की पहली लहर के दौरान संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो हर दिन मेडिकल जरूरतों के लिए 2700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी। देश में इस वक्त कोरोना अपना सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर ढा रहा है। देश के कोरोना संक्रमित मरीजों के 1/3 से ज्यादा अकेले इस राज्य में मामले हैं। यहां इस वक्त हर दिन 1200 टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन पूरी ऑक्सीजन कोरोना मरीजों के लिए ही जा रही है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ती जा रही है। अब हर दिन 1500 से 1600 टन गैस की खपत की स्थिति आ गई है। इसमें गिरावट के अभी कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। दरअसल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कोई इमरजेंसी प्लानिंग नहीं हुई थी, यही वजह है कि इसके लिए इस कदर अफरा तफरी मची हुई है। लिक्विड ऑक्सीजन हल्के नीले रंग की और काफी ठंडी होती है। ये क्रायोजेनिक गैस होती है जिसका तापमान -183 सेंटीग्रेड होता है। खास सिलेंडरों और टैंकरों में ही ले जाया और रखा जा सकता है। भारत में लगभग 500 फैक्ट्रियां हवा से ऑक्सीजन निकालने और इसे शुद्ध करने का काम करती हैं। इसके बाद इसे लिक्विड में बदल कर अस्पतालों को भेजा जाता है। ज्यादातर गैस की सप्लाई टैंकरों से ही की जाती है। वहीं बड़े अस्पतालों के पास अपने टैंक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी जाती है और फिर वहीं से मरीज के बेड तक सप्लाई की जाती है। छोटे और अस्थायी अस्पताल स्टील और एल्यूमिनियम के सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब मोदी सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानी ऑक्सीजन टैंकर लेकर ट्रेन वहां पहुंच रही है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना मिलिट्री स्टेशनों से ऑक्सीजन भी एयरलिफ्ट कर रही है। सरकार 50,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन के आयात की भी योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।